हेलो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया कर सब्सक्राइब बटन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, टेक से रिलेटेड, न्यूज़ से रिलेटेड, करेंट अफेयर्स से रिलेटेड, ब्लॉग से रिलेटेड वीडियोस बनाते रहते हैं। तो अगर आपको भी इन चीज़ों में इंटरेस्ट है तो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर एक चीज़ की अपडेट जल्द से जल्द मिल सके। दोस्तों, अगर आपका इंटरेस्ट बैंकिंग सेक्टर में है तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। तो 2019 की जो पहली वैकेंसी लिस्ट है हमारे पास बैंकिंग सेक्टर की, वो आ चुकी है। तो आप देख सकते हो कि कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, कौन कौन से इस जॉब को कर सकते हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स है, किस चीज़ की वैकेंसी है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो लिस्ट है वो RBI की है, जो कि इंडिया की टॉप बैंक है। तो इसमें आपको जो वैकेंसीज है वो बैंक एग्जामिनर की है, सुपरवाइजरी मैनेजर की है, एनालिस्ट की है, और भी बहुत सारी चीज़ों की वैकेंसी है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो आपके लिए है दोस्तों, वो है 61 वैकेंसीज। तो अब बात आती है कि कौन कौन इस जॉब को कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपको रिक्वायरमेंट है वो है, एनी पोस्ट ग्रेजुएट होनी चाहिए, MBA या PG DM की डिग्री होनी चाहिए आपके पास, या कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए आपके पास, BTech, BE, ME, MTech। अगर इसमें से आपके पास कोई भी डिग्री है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। MCA, LLM, CA, ICWA वाले भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात आती है कि इसकी लास्ट डेट कौन सी है फॉर्म सबमिशन की। तो जो लास्ट डेट यहाँ पर पता चली है दोस्तों, वो है 8 जनवरी 2019। तो अगर आप इसका फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं दोस्तों, तो ऑनलाइन चेक करके आप वहाँ से इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो दूसरी वैकेंसी है वो है हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड की। तो इस ये जो वैकेंसी है दोस्तों, वो असिस्टेंट मैनेजर और स्टाफ असिस्टेंट के लिए है। तो जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इसमें अवेलेबल हैं वो है 88 वैकेंसीज। तो बात करते हैं रिक्वायरमेंट्स की दोस्तों, तो यहाँ पर आपके पास कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए या फिर BCom की डिग्री होनी चाहिए। और लास्ट फॉर्म सबमिशन डेट की बात अगर करते हैं तो वो है 5 जनवरी 2019। तो आप इसको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हो। जो तीसरी वैकेंसी है दोस्तों, वो है करीमनगर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड की। तो यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज अवेलेबल हैं वो है 103 वैकेंसीज, जो कि स्टाफ असिस्टेंट और असिस्टेंट मैनेजर की हैं। तो रिक्वायरमेंट जो इसके लिए है दोस्तों, वो आपके पास कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, और जो लास्ट फॉर्म सबमिशन डेट है इसका वो है 5 जनवरी 2019। तो आप इसको ऑनलाइन चेक करके वहाँ से भी फॉर्म फिलअप कर सकते हो। जो फोर्थ वैकेंसी है दोस्तों, वो है नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड की। तो यहाँ पर जो वैकेंसीज है वो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 50 हैं, जो कि स्टाफ असिस्टेंट और असिस्टेंट मैनेजर की हैं। तो यहाँ पर भी आपके पास रिक्वायरमेंट कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, और जो लास्ट फॉर्म सबमिशन डेट है वो है 5 जनवरी 2019। तो आप इसको ऑनलाइन वहाँ से फिलअप कर सकते हो। जो फिफ्थ वैकेंसी है दोस्तों, वो है आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक की। तो यहाँ पर जो पोस्ट अवेलेबल हैं वो है स्टाफ असिस्टेंट की, असिस्टेंट मैनेजर की, जो कि टोटल 61 वैकेंसीज यहाँ पर अवेलेबल हैं, और कोई भी ग्रेजुएशन वाले इसको कर सकते हैं। तो जो लास्ट फॉर्म सबमिशन डेट है वो है 5 जनवरी 2019 की। तो आप इसको ऑनलाइन चेक करके वहाँ से फॉर्म सबमिट कर सकते हो। जो सिक्स्थ वैकेंसी है दोस्तों, वो है निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड की। तो यहाँ पर जो वैकेंसीज हैं वो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 72, और ये अवेलेबल है स्टाफ असिस्टेंट और असिस्टेंट मैनेजर के लिए। तो इसको कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री वाले फिलअप कर सकते हैं, और जो लास्ट फॉर्म सबमिशन डेट है इसकी वो है 5 जनवरी 2019। तो आप इसको ऑनलाइन चेक करके और वहाँ से फॉर्म सबमिट कर सकते हो। और जो हमारी आज की लास्ट वैकेंसी है दोस्तों, वो है वारंगल डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड की। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज अवेलेबल है 16, जो कि सिर्फ असिस्टेंट मैनेजर के लिए हैं। तो कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री वाले इसको फिलअप कर सकते हैं,
और इसकी जो लास्ट फॉर्म सबमिशन डेट है वो है 5 जनवरी 2019। तो दोस्तों जो अधिकतम हमारे पास फॉर्म सबमिशन की जो लास्ट डेट है वो है 5 जनवरी 2019, तो उससे पहले आप इसको चेक करके और प्लीज़ फॉर्म सबमिट कर लो। दोस्तों अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था तो प्लीज़ इसे लाइक कर दो, शेयर करो और कमेंट बॉक्स में अगर इससे रिलेटेड कुछ और भी जानकारी आपको चाहिए तो वहाँ कमेंट करके आप पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तब तक के लिए बाय दोस्तों, तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।